स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल बी आर स्निपिक्स में और एक्सप्रेस वेज की श्रृंखला में। हम हाजिर आपके लिए एक नए वीडियो लेकर के, और आज हम बात करने वाले हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो वीडियो है वो हम हमारे चैनल पर निरंतर रूप से लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आपको बता दें, सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर के गुजरेगा। पहला राज्य है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा तेलंगाना, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा जो राज्य है वो तमिलनाडु। तो 6 राज्यों से होकर के चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे, यानी कि सूरत चेन्नई जो एक्सप्रेसवे है वो गुजरेगा। यदि हम बात करें कि सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे कितने लेन का बनाया जाएगा, तो हम आपको बता दें सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे 6 लेन का बनाया जाएगा। यदि हम इसकी दूरी की बात करें कि कितनी दूरी में होकर के बनाया जाएगा, तो हम आपको बता दें सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे 1270 किलोमीटर के दायरे में बनाया जाएगा। यदि हम बात करें सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे की जो कॉस्ट है, वो लागत है, वो कितनी रहेगी, तो हम आपको बता दें सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो 48,000 करोड़ रुपए मानी गई है। वैसे हम आपको बता दें कर्नाटक के 3 जिले कलबुर्गी, यादगीर और रायचूर से होकर के ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। कर्नाटक में इसके लिए 4 पैकेज बनाए गए हैं, जो कि 233 किलोमीटर के दायरे में होंगे और इसके लिए 7,446 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में अपडेट दी। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हो तो वो भी आप हमको कमेंट मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ और एक नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।